अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काजे सब आजे भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नववर्ष के संबंध में चर्चा करनी है और रात्रि 12 बजे से मैसेज शुरू हो गए सबके मोबाइलों पर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जहाँ देखो वहाँ फोन उठाते ही हैप्पी न्यू ईयर, भाई साहब पंडित जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जिसको देखो वो एक ही स्वर, एक ही बात सैकड़ों बार, हजारों बार आपने रात 12 बजे से लेकर के अब तक सुनी होगी। नए साल की शुभकामनाएं, नववर्ष मुबारक हो, नया साल शुभ हो आपके लिए। गजब हो गया भाई साहब, नया साल शुभ हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस नए साल में क्या शुभ है? और नया साल तो लगा है, उतने हो मंगलमय हो साहब, नया साल आपके लिए शुभ हो, हम यही भावना बाते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। भैया पहले ये तो समझो शुभ किसे कहते हैं। नया वर्ष शुभ, तीन शब्द है ना, नया वर्ष मंगलमय हो, तीन शब्द है ना इसमें। इसमें नया क्या है और वर्ष और शुभ क्या है, मंगल क्या है? न हमें मंगल की खबर है, न हमें शुभ की खबर है, बस नया साल, नया साल। और नया वर्ष में भी नएपन की खबर नहीं है। गजब की बात तो ये है, नया साल शुभ हो पंडित जी, नया साल मुबारक हो। गजब हो गया, नया क्या है और मुबारकबाद दे रहे हो आप, शुभकामनाएं दे रहे हो, तो शुभ तो बताओ, शुभ क्या हुआ, नया क्या हो गया? भैया अनादि काल से चले आ रहे कालखंड का एक छोटा सा खंड मात्र है, घड़ी देखता रहता है। अभी तो रात को 11:55, 11:55 है, अभी तो 11:55। रुको रुको रुको, अभी रुको, और 5 मिनट, और अब 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। और ये टीवी की स्क्रीन वाले जैसा पहले कभी देखा होगा, बहुत सालों से तो देखा नहीं, तो ऐसे चलाते थे वो, सेकंड्स चलते रहते हैं, लेफ्ट 50 सेकंड, लेफ्ट 40 सेकंड, लेफ्ट। ओ, अब बस, क्या 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 कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है, काहे की शुभकामनाएं दे रहे हो? कुछ तो नया होना चाहिए इस नए साल में, जैसे हम नया 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 कहकर के पुकार रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया? रोज रात को चलता है, रोज रात को 12 बजते हैं, रोजाना तारीख बदलती है, डेट बदल जाती है। बदलना ही स्वभाव है, बदलना ही स्वरूप है। सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, कौन से दिन 12 नहीं बजे? 12 तो रोज बज रहे हैं, लेकिन अब तो काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि मिथ्यात्व के 12 बजे, अनंतानुबंधी के 12 बजे, आप प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण के 12 बजे, तो हमारा वो 12 बजना सार्थक हो जाए, तो नया वर्ष बनाना सार्थक हो जाए। सच में ये वास्तव में हमारा नया वर्ष है भी नहीं, ये जैन परंपरा के अनुसार ये नया वर्ष है भी नहीं, नव वर्ष हिंदू परंपरा के अनुसार भी नहीं है। जैन परंपरा तो छोड़िए आप, हिंदू धर्म वालों की अपेक्षा से भी नया वर्ष नहीं है। विक्रम संवत चलता है हिंदू परंपरा में, चैत्र में आता है वो, चैत्र मास में, मार्च के आसपास में समय आता है, तब से वो नया साल लगता है। बहुत सारे लोग दिवाली के समय नया साल मानते हैं। गुजरात में कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर वो सब कैलेंडर बदलता है, वो उस समय बदलता है। व्यापारी वर्ग के लिए दिवाली पर नया साल आता है, फाइनेंशियल ईयर की दृष्टि से 1 अप्रैल वो नया साल कहलाता है। जैन परंपरा में वीर निर्वाण संवत की दृष्टि से देखें तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस, वहां से नया वर्ष, नया संवत शुरू होता है। विक्रम संवत विक्रमादित्य से शुरू होता है, वीर निर्वाण संवत भगवान महावीर स्वामी से शुरू होता है। और जैन परंपरा का जो नया वर्ष कहा जाता है वो सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है। सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन,
नया वर्ष शुरू हुआ। जिस दिन नया वर्ष शुरू होता है उसी दिन शताब्दी शुरू होती है, उसी दिन सहस्त्राब्दी शुरू होगी, क्योंकि वर्ष तो पूरे ही होंगे ना, क्या पूरे ही वर्ष होगा ना। 21,000 वर्ष का पंचम काल कौन से दिन पूरा होगा कि जब 21,000 वर्ष पूरे होंगे तो 21,000 वर्ष पूरे हुए कौन सी तारीख को पूरे होंगे, बोले उसी तारीख को जिस दिन साल बदला था, उसी तिथि को। तो पंचम काल से छठा काल आया उसी तिथि को, छठे से फिर आगे दूसरा जिसे छठा कहा जाता है, उत्सर्पणी का पहला होता है दुखमा, वो भी उसी तिथि को, पहला काल उसी तिथि को, दूसरा काल उसी तिथि को। ये काल परिवर्तन सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन होता है, हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम तो किसी को भी, खैर कोई बात नहीं, आप तो नया कह दो, नया मनाना शुरू करो, सारी दुनिया मना रही है पंडित जी, नया है नया है नया है हमारे लिए, तो करो ना कुछ नया, जिसे आप नया कह रहे हो हम काम मना कर रहे हैं, आप नया साल मनाइए, आप नया कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। आपका रूटीन तो वही का वही चालू है, रोजाना सूर्य उगता है, रोजाना सूर्य अस्त हो जाता है, इस उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य के बीच में क्या नया है। रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30, 2 बजे तक आपने कार्यक्रम मनाया, पार्टी मनाई, नया साल मनाया, अरे अगले दिन आपको नए साल का उगता हुआ सूरज देखना नसीब नहीं हुआ, सुबह 8-9 बजे तक बिस्तरों में पड़े रहे, क्यों, क्योंकि नाइट मनाई थी ना, नया साल मनाया था। कल्पना करना उगता हुआ सूर्य देखने तक का आपको नसीब नहीं हुआ, नए साल का नया सूर्य, 1 जनवरी का नया सूर्य, उगता हुआ सूर्य ये तक नसीब नहीं हुआ, बोलो क्या कहे। विचारणीय बात है भाई साहब, कुछ तो नया करना पड़ेगा, क्या प्रतीप पाटनी जी इंदौर से, बोलो कुछ तो नया करना पड़ेगा इस साल में, कुछ नए संकल्प लेने होंगे, कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी, कुछ नए विचार करने पड़ेंगे, धार्मिक भावनाओं में कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, बोलो भाई नमन। सोचो कुछ ना कुछ तो क्या नया हो सकता है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपका नयापन आपके लिए, न मालूम क्या नए संकल्प हो सकते हैं। कल रात्रिकालीन हमारे कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे नई नई बातें न लोगों से पूछी गई, आपका एजेंडा क्या है आगे पूरे वर्ष का, आपकी प्लानिंग क्या है आगे पूरे वर्ष के अंदर, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है, स्वाध्याय की क्या योजना है, आत्मकल्याण की क्या योजना है, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने की आपकी क्या योजना है, बतलाइए तो सही। संकल्प तो लीजिए कुछ, तो नियम तो लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ नया रूटीन नहीं, क्या सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, क्या नया है। धर्म जी वैसा बहुत अच्छा, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है, एक एक क्षण एक एक पल बीत रहा है, अरे हर समय नई है पर्याय, पर्याय उत्पाद वे स्वरूप पर्याय, प्रतिक्षण नवीन पर्याय, फिर नवीन पर्याय, फिर नवीन पर्याय, फिर नवीन पर्याय, हर पल पर्याय नवीन उत्पन्न हो रही है, लेकिन नवीन उत्पन्न होती हुई पर्याय में वही मिथ्यात्व, वही मिथ्यात्व, वही अज्ञानता, वही खोटी बुद्धि, वही मिथ्या अभिप्राय यदि अनादि काल से बैठा हुआ है तो फिर क्या नया। अरे मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए इसका नाम नया है, सम्यक दर्शन से पंचम गुण स्थान की प्राप्ति हो जाए जो अनादि काल से नहीं हुआ है वो काम हो ना नया। क्या काम ऐसा है जो अनादि काल से आज तक हमने किया नहीं हो। परावर्तनों को उठा करके देखो, जनवाणी को उठा करके देखो, गोमटसार जैसे ग्रंथ उठा करके देखिए आप, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या क्या ऐसा है जो हमने नहीं किया है। धन कमाया, ये कहता है मैंने इस साल में ऐसा किया, अच्छे से अच्छे शुभ भाव किए। मैं कहता हूं स्वाध्याय आदि की योजनाएं भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन भूतकाल की दृष्टि से विचार करो, पुद्गल परावर्तन की दृष्टि से विचार करो, भाव परावर्तन की दृष्टि से विचार करो, तो भैया ऐसा कोई शुभ भाव नहीं है जो भूतकाल में हमारे द्वारा किया नहीं गया हो, बोलो ऐसा कोई नहीं है। कौन से शुभ भाव की बात करते हो आप? अरे नहीं नहीं हमने तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, हमारी लाइफ तो बिल्कुल अलग प्रकार की है, आपको पता नहीं है, हम लोग तो बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ गए हैं, आपको पता नहीं है, हम पहले बिल्कुल नहीं, और फिर बीच में जब वो लॉकडाउन लगा था ना तब से पंडित जी हमारे तो जिंदगी बदल गई, तब से हमने शुरू कर दिया
नया, तब से हमारा ये हो गया, क्या शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, 2 घंटे सुनने लग गए, 4 घंटे सुनने लग गए, पढ़ने लग गए, स्वाध्याय करने लग गए। नहीं नहीं नया, देखो भाई मैं ये भी नहीं कहता हूँ आप लोगों से कि ये कोई गलत है, बहुत अच्छी बात है, आप जितना कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ाने की सोचना। 20 निकल गया है, 21 आ गया है, 21 निकल गया, 22 आ गया, 22 निकल गया, 23 आ गया, ऐसे ही चलते रहेंगे, कुछ दम नहीं है, काम कुछ 21 होना चाहिए, 19 नहीं है, अब 20 भी नहीं, अब तो 21 काम होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे नए साथी हमारे सुन रहे हैं, नए नए लोग हैं, बहुत सारे नए नए साथी हैं, आपने स्वाध्याय शुरू किया, लेकिन ये स्वाध्याय अब रुकने वाला नहीं है, ये स्वाध्याय स्वयं के लिए होगा, ये संकल्प होना चाहिए, ये स्वाध्याय अपने आप को जानने के लिए होगा, अपने आप को समझने के लिए होगा, वो नया काम होगा जो नया काम अनादिकाल में मैंने नहीं किया है, ये संकल्प लेता हूं मैं। जीवन पूरा हो रहा है, समय बीत रहा है, खत्म हो रहा है, बोलो, पल पल जीवन बीतता जा रहा है, हर पर्याय नई उत्पन्न हो रही है, नया भाव भी था, जन्म भी नया लिया था, मनुष्य जन्म नया लिया था, उसके बाद में क्या हुआ था, फिर कुछ नया लिया था, फिर कुछ नया हुआ था, फिर क्या नया बताओ तो सही, हड्डी टूट जाती है वो भी नया हो जाता है किसी के लिए, फ्रैक्चर हो जाता है वो भी नया हो जाता है, लेकिन हैप्पी हैप्पी की बात कर रहे हैं यहां, तो खुशी की बात क्या है ये बतलाइए, बोलो आप हैप्पी कह रहे हो ना, हैप्पी है कि नहीं, और यदि कितना, अभी तो परिस्थितियां कैसी है, अभी 2-3 साधर्मियों की, अभी 2-3 दिन के अंदर खबर सुनी है स्वाध्याय स्वाध्याय लोगों की, बोलो आप, जिनका जीवन पूरा हो गया, अब उनके घर से पूछो, हैप्पी है ना न्यू ईयर, काय का न्यू ईयर हैप्पी, मैं आपसे पूछता हूं, आज 1 जनवरी के दिन करोड़ 2 करोड़ का, लाख 2 लाख का, 5 लाख 25 करोड़ का यदि नुकसान हो जाए आपको, और फिर आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर कहे, आप क्या कहो, अरे यार काय का हैप्पी न्यू ईयर, यार क्या बात कर रहे हो आप, काय का न्यू ईयर की बात कर रहे, काय का हैप्पी, हमारे लिए तो सब दुखद हो गया, होता है कि नहीं ऐसा, बोलो, घर में किसी का मरण हो जाए, दुकान में नुकसान हो जाए, फैक्ट्री में आए, 1 जनवरी के दिन दुर्घटनाएं नहीं घटती है, 1 जनवरी के दिन किसी के एक्सीडेंट नहीं होते हैं, 1 जनवरी के दिन ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है किसी के साथ में, होती है ना, तो फिर क्या ना है? फिर उसके लिए हैप्पी है कि सैड है, सैड न्यू ईयर, बोलो हम क्या कहें, दिवाली के लिए नहीं कहते इस तरह की बातें, दिवाली के दिन बहुत चलती है, दिवाली है साहब, घर में दिवाली, कौन से दिन मनाएंगे दिवाली भाई साहब, बोलो, पूछना चाह रहा हूं हमारे साधर्मियों से, प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से, बोलो दिवाली कौन से दिन हमारे लिए, जिस दिन कुछ प्रॉफिट हो जाए लंबा तगड़ा, हम कहते हैं कि ये हो गया भाई साहब, आज दिवाली मनाएंगे अपन तो, और जिस दिन नुकसान हो जाए उस दिन दिवाली नहीं है, दिवाला है फिर तो, दिवाला है फिर तो, दिवाली का दिन था भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का दिन था, और फिर क्या हुआ कि अचानक खबर आई, एकदम बच्चा छत से गिर गया, और ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, अब हैप्पी दिवाली, अब आपको प्रतिवर्ष वही वो याद आता है, हैप्पी हैप्पी दिवाली है ये, क्या करो, बच्चे की डेथ हो गई, अब काहे की दिवाली, आग लग गई घर में, संपत्ति चले गई, डूब गया पैसा, बुलावा आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ऑपरेशन हो रहा है, झूल रहे हैं, 2-4 समझो आप 27-28 दिसंबर को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है, भागम भाग लग रही है, बोलो क्या कहूंगे उसको, हैप्पी, और ऐसे समय में कोई व्यक्ति उसको विश करे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हो गए, गुस्सा अंदर से इतना आए कि इसके एक लगाऊं खींच के, ये मेरे को ये हैप्पी कह रहा है, हमारी तो जान में जान बनी है, और ये हैप्पी हैप्पी की बात कर रहा है, कहीं का हैप्पी, किसी की मौत हो जाने पर क्या शुभकामनाएं दी जाती हैं, किसी के साथ में बुरा हो जाने पर क्या शुभकामनाएं दी जाती हैं, किसी व्यक्ति को जेल हो जाने पर, सजा हो जाने पर क्या शुभकामनाएं दी जाती हैं, हम शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं, आपके मिथ्यात्व की शुभकामनाएं, आपके नरक आयु बन गई है बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप निगोद में जाने वाले हो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको वापस अपना हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको बहुत शुभकामनाएं, अब काई की शुभकामनाएं, उस हेडक्वार्टर में जाने वाला है, निगोद जाने वाला है, मोक्ष की तैयारी नहीं है, मोक्ष मार्ग की तैयारी नहीं है, कदम बढ़ाइए भाई साहब, मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ाइए, मुझे मालूम है आसान नहीं है, एक कदम बस, बस एक कदम,
कितना बढ़ाएं आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ाया जा सकता है आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सोचिए, मंदिर नहीं जाते थे, रोजाना देव दर्शन शुरू किया जा सकता है। ये भी किसी के लिए एक नया संकल्प हो सकता है। पंडित, ऐसे ऐसे शहरों में घूमता हूँ, ऐसे बड़े शहरों के अंदर दर्शन दुर्लभ है भाई साहब, देव दर्शन नहीं होते हैं, दर्शन करना नसीब में नहीं है उनके। बोलो, दर्शन नसीब में नहीं होते हैं, भाग्य में नहीं है। और सामने मंदिर है, उसके बावजूद कई ऐसे जैन परिवारों को जानता हूं, सामने जिन मंदिर होते हुए दर्शन करने का विकल्प नहीं आता है। मैं कहता हूं भाई साहब अभागे हैं जिन्हें दर्शन करने का विकल्प नहीं आता है। जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं है वे अभागे हैं, अभाग्य है। एक वाक्य बहुत चला करता है पोस्टरों में काफी सालों से, यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। सोचो अपने आप के बारे में। इन्हें नहीं कहा, हम तो रोजाना दर्शन करते हैं। पंडित जी क्या बात करते हो आप, दर्शन करते हैं रोजाना, कोई बात नहीं। जैन दर्शन करते हो, प्रक्षाल पूजन करते हो कि नहीं? वो नहीं करते, वो शुरू कर दो। इन्हें नहीं, हम तो वो भी करते हैं। स्वाध्याय करते हो कि नहीं? पूजन में क्या लिखा है वो समझते हो कि नहीं? विधान करते हो लेकिन विधान का मर्म समझते हो कि नहीं? विधान करते हो लेकिन विधान का अर्थ समझते हो के नहीं? कि नहीं, नहीं वो तो नहीं समझते। तो फिर बोले क्या किया तुमने, इधर का माल उधर चढ़ा दिया, इस थाली से सामग्री उठा करके तुमने इधर क्षेपण कर दी। कुछ करो नया, करो स्वाध्याय, करो भेद विज्ञान का अभ्यास। निज को निज, पर को पर जान, इस भेद विज्ञान का अभ्यास करो भाई साहब। ये जिंदगी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्या बोलो, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ खुशी के लिए, हैप्पी के लिए। आत्मदर्शन के बिना हैप्पीनेस आती नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना खुशी आती नहीं है। वो नया है, वो पर्याय नहीं है। पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये वस्तु का लक्षण है। हर वस्तु में उत्पाद व्यय है। अपनी पिछली लाइफ पर दृष्टि डाल करके देखिए, आपकी एज जितनी हो गई है आपने अपनी लाइफ में उतने न्यू ईयर बना लिए, उतने न्यू ईयर आप आए हैं, फिर भी नया क्या हुआ? वही दुकानदारी, वही बिजनेस, वही कामधाम, वही घर गृहस्थी, वही तूतू मैमे, वही जिरह, वही उठा पटक, वही तो सब कुछ है। ये पूछना चाह रहा हूं, आपने अपनी लाइफ में नया क्या किया? मैं कहना चाहता हूं साधर्मियों से, मैं कहना चाहता हूं उनसे, अपने घर में परिवार के लोगों को लेकर के बैठिए। आज से ही संकल्प लीजिए, परिवार के सारे साथियों को लेकर के बैठेंगे, परिवार के सब सदस्यों को लेकर के बैठेंगे। दुकान बंद हो जाए 8 बजे का समय जो है, ये ऐसा समय नहीं है जिस समय सब लोग नहीं बैठ सके, सब लोग बैठ सकते हैं। परिवार के लोगों को बैठ करके स्वाध्याय शुरू कीजिए, प्रथमानुयोग के ग्रंथ से शुरू कीजिए, क्षत्र चूड़ामणि से शुरू कीजिए, छोटे छोटे से ग्रंथों से, राम कहानी से शुरू कीजिए, जैन कथा संग्रह कहानियों की पुस्तक है उससे शुरू कीजिए, बालबोध से शुरू कीजिए, छेड़ाला से शुरू कीजिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से शुरू कीजिए, तत्वार सूत्र से शुरू कीजिए, भक्तामर से शुरू कीजिए, इष्टोपदेश से शुरू कीजिए, जिसकी आपकी रुचि हो उससे शुरू करो, लेकिन शुरू करो, शुरू करो। शुरुआती दिन है ये, शुरू करने का प्रसंग है। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें जिनेंद्र देव दिखाई दे रहे हैं, भाग्यशाली वे हैं जिन्हें जिन प्रतिमा देख करके निज दर्शन करने का विकल्प आता है। अभागा मत समझना, जिन धर्म मिल गया है। ये नया साल सच में कुछ नया लेकर के आएगा हमारी जिंदगी में, मुझे मालूम है। सब लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं सामने से लिखे हुए। पंडित जी पूरे परिवार बैठ करके, साथ में बैठ करके सुनते हैं। एक तो किसी का बीच में मैसेज आया था एक बार, 19 परिवार के 19 सदस्य बैठ करके, 19 के 22 सदस्य एक साथ बैठ करके घर में टीवी लगा करके और रोजाना प्रोग्राम सुनते, वीडियो बना के भेजा मेरे को। बोले 19 से 22 लोग बैठ करके रोजाना सुन रहे सामने बैठ करके, कोई बात नहीं। व्यक्तिगत करो, साथ में लेकर के, बच्चों को साथ में लेकर के। ये संस्कार पूंजी है भाई साहब जो बच्चों में चले जाएंगे। बच्चों को यदि इस नए साल के अवसर पर कोई गिफ्ट देना है तो स्वाध्याय का गिफ्ट दीजिए, आराधना का गिफ्ट दीजिए उन्हें। देखो, अपने को अपनी निधि, अपना वैभव दिखा दिया जाए, दे दिया जाए, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? न्यू ईयर गिफ्ट, बोलो, न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए ना। बच्चे कहते हैं घर घर में, न्यू ईयर है क्या गिफ्ट दे रहे हो, नए साल को क्या दिला रहे हो? बच्चों को ऐसा लगता है
सुनो, हम तुम्हें तुम्हारा वैभव दे रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारी संपत्ति दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं तुम्हारे को जिसे देख करके तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। हम वो संपत्ति दे रहे हैं जिस संपत्ति के दम पर बड़े बड़े संपत्ति वाले चरणों में आकर के पड़ेंगे। बेटा वो संपत्ति दे रहे हैं तुम्हारे को कि जिन शासन की ध्वजा पताका आपके हाथ में है, ये युवाओं के हाथ में है, ये बच्चों के हाथ में है। हमारे जिग्नेश भाई के बच्चे घर के एक दिन भेजा था, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके। बच्चों ने बना करके चार्ट बना करके भेजा, मैं नाम वाम तो भूल गया, लेकिन वो बहुत अच्छे मतलब शायद बच्ची थी जिग्नेश भाई की, 8-10 साल की बच्ची है, और गजब के सुंदर प्रवचन सुनकर के उसने वो सब बनाया भेजा मेरे पास में। अच्छा लगता है छोटे छोटे से बच्चों को देखते हैं, ध्यानी नाम है उसका, छोटे छोटे से बच्चे अभी सुनाते हैं, कंठ पाठ सुनाते हैं, आरंभ पाठशाला के माध्यम से सुनाते हैं, पाठशालाएं चल रही है, ऑनलाइन चल रही हैं, शिविर अटेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई समवचरण बना रहा है अमेरिका में बैठे बैठे, विदेशों के अंदर बैठे बैठे कोई भक्ति लिख रहा है, कोई भजन तैयार कर रहा है, कोई पाठ याद कर रहा है। अरे बच्चे बच्चे, अरे बच्चों का काम नहीं है, बड़ों का भी काम है, ये हमारा भी काम है। नए साल में नया करेंगे, समझेंगे हम किसी और को नहीं अपने आप को। ये चर्चा किसी और के लिए नहीं है, ये चर्चा अपने आप के लिए है। जीवन ढल रहा है, जिंदगी बीत रही है, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। पूर्व जन्म की कमाई खा रहा है, नई कमाई किया नहीं है, पिछली की हुई कमाई वर्तमान में भोग रहा है। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। बहुत सुंदर है पूरा भजन, कई बार मेरे मनुष्य जन्म की दुर्लभता वाले प्रवचनों में कहीं पूरा सुनाया भी है मैंने, शायद सिंगापुर से सुनाया था पूरा भजन, सुनना जरा उसको, अपना देखना। उसका अंतिम पद सुनाता हूं, अंतिम पद बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष पथ में कदम रख ले, क्या क्या करना है भाई साहब, नया साल नया फर्नीचर बनाऊंगा सर, नए साल में नए घर में प्रवेश करेंगे भाई साहब, हम तो नया घर होगा हमारा, नया फर्नीचर होगा, नया साल है ना, नया होना चाहिए। नए साल में FD कराएंगे, नए साल में हमारे नाम प्रॉपर्टी कर दी हमारे दादाजी ने पिताजी ने, बेटा तेरे नाम कर दी जाती है नया साल। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। क्या करना है, मोक्ष पथ में कदम, जीवन बीत चला। सेकंड लाइन सुनो, स्वानुभूति प्राप्त करना, स्वानुभूति प्राप्त करना, चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, स्वानुभूति प्राप्त करना जो चेतन की कला है, इस कला से होगा क्या, मुझे ये बतलाइए। भव भ्रमण का, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, मजा आएगा, दिल प्रसन्न हो जाएगा, हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। यदि ये काम हो गया, यदि ये निधि मिल गई, यदि इस नए साल में वहां कदम रख दिए गए, तो क्या मिलेगा आपको उसकी कल्पना नहीं है, वो बता रहा हूं एक लाइन में। भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ढलता सूरज, क्या काम क्या हो गया, भव भ्रमण का सम्यक दर्शन होते ही, क्या गुणस्थान पहले से चौथा हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन होते ही क्या हुआ, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। अरे पंच परावर्तन सिमट गए, सिमट गए पंच परावर्तन।
अनंतानंत अनंतानंत काल उन पंच परावर्तनों का, उन अनंतानंत काल पंच परावर्तनों का सिमट करके चुल्लू भर मात्र रह गया है, अंश मात्र काल रह गया है। भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। क्या ये कह रहा है? रोज संध्या ढल रही है, रोज सूर्यास्त हो रहा है, उदित होता है और अस्त हो जाता है, समय निकल जाता है, समय बीत जाता है, बीत गया, फिर एक दिन बीत गया, फिर एक साल बीत गया। अज्ञानी कहता है मैं बड़ा हो रहा हूं, अरे आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे, बर्थडे के व्यर्थ डे है, व्यर्थ किया है तूने अपने जीवन को। सार्थकता होनी चाहिए, नया साल बढ़ गया और बढ़ गया नहीं, साल गिरा, एक साल गिर गया तेरा, एक साल और पूरा हो गया। पल पल मौत नजदीक आ रही है, पल पल मौत नजदीक आ रही है, हम क्या कहें इसे, किस बात की शुभकामनाएं दे रहे हैं? नहीं आगे बढ़ गए सब, आगे बढ़ गए, कहां आगे बढ़ गए? अरे आपको पता नहीं है, जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उस समय कुछ भी नहीं था, इस बच्चे ने इतनी तरक्की की, पता नहीं कहां से कहां आगे निकल गया। देखो तो सही आप, आज इंडिया में टॉप 10 में नंबर आता है इसका। अच्छा आपको पता है इतने से लोग चुने जाते हैं राष्ट्रपति सम्मान के लिए, इसका नाम राष्ट्रपति सम्मान में आया है, प्रधानमंत्री ने वहां दिल्ली में बुला करके इसका सम्मान किया है। गजब भाई साहब, प्रधानमंत्री का सम्मान किया है। हम कह रहे हैं तेरे अतीत पर दृष्टि डाल करके देख, अनंत बार प्रधानमंत्री बनाए, अनंत बार राष्ट्रपति बनाए, अब तो काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि टॉप 5 में नाम आ जाए। अरे बड़ी वो भी आ जाएगा, लगे हैं हम तो, आप चिंता मत करो, टॉप 10 में तो हमारा नाम आता ही है। अब बस 2 फैक्ट्रियां वहां डालने वाले हैं, एक वहां जमशेदपुर में डालेंगे, एक उधर अहमदाबाद की प्लानिंग चल रही है, इधर नॉर्थ में इधर करेंगे, एक साउथ के अंदर जा रही है बाहर एक्सपोर्ट के लिए, वो सारी डील। अब देखना आपको इस साल कोशिश तो ये है हमारी, टॉप 5 में हमारा नाम आ जाएगा। अरे तू समझा नहीं टॉप 5 का मतलब, पिछले दिनों के प्रवचन तूने सुने होते तो तुझे पता होता हमारे यहाँ टॉप 5 का मतलब होता है मुनि भूमि का, टॉप 5 का मतलब होता है दिगंबर मुद्रा, टॉप 5 का मतलब होता है छठा सातवां गुणस्थान, टॉप 5 का मतलब होता है भगवान बनने की तलेटी में खड़ा होना, पंच परमेष्ठी, ये है टॉप 5 में। बोलो कदम बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसे कहते हैं उपलब्धि। क्या उपलब्धि है? खूब कमाया, खूब कमाया, किसके लिए कमाया? आज मरे और कल दिन पूरा खत्म, छुट्टी लो, कौन आएगा, कौन भोगेगा, कौन कमाएगा, कौन दान देगा, कौन उसका उपभोग करेगा, संपत्तियां पड़ी रहती है, लॉकर बैंकों के अंदर लॉकर पड़े रहते हैं, ऐसे कि ऐसे आदमी मर जाता है, परिवार चले जाते हैं, नॉमिनी आता नहीं है, पता नहीं किसका नॉमिनेशन नहीं होता है। आज गवर्नमेंट कितना जोर दे रही है, नॉमिनी बनाओ, नॉमिनी होना चाहिए, नॉमिनेशन करो आप, संपत्तियां पड़ी रहती है। इंश्योरेंस वालों के यहाँ कोई इंश्योरेंस क्लेम करने वाला नहीं है, कितनी संपत्ति, कितने 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 पैसे पड़े, कौन किसको संभालेगा, कौन किसको धरेगा? खूब कमाया है, खूब कमाया है, अनंत बार कमाया है। यदि नहीं कमाया है तो रत्नत्रय निधि नहीं कमाई है, यदि नहीं कमाया है तो अतिंद्रिय आनंद नहीं कमाया है, ज्ञान धन नहीं कमाया है, वैराग्य धन नहीं कमाया है, अतिंद्रिय आनंद रस नहीं कमाया है, भेद विज्ञान नहीं कमाया है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की अद्भुत कमाई हमने आज तक नहीं की है, नया तो ये है भाई साहब, नया तो ये करना है। बनारसी दास जी की पंक्तियां बताए प्रमोद जी भाई साहब, बोलो, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, एक समय की। लेकिन मैं उल्टा भी कहता हूं कभी कभी, वही दुर्लभता वाले व्याख्यानों में बोलता हूं कई बार, एक समय की चूक में अनंत काल गवाएगो भैया, एक समय की चूक में माथे पर बिजली गिर गई, खत्म, छुट्टी, रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया, खत्म हो गई छुट्टी, अगले भाव में न मालूम कहां दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, दो इंद्री चार इंद्री में कहां एक इंद्री में चला जाएगा, अनंत काल तक रुलता रहेगा, डूबता रहेगा अनंत काल तक, उसमें शुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी कुछ भी, अपने पराये का भेद विज्ञान करने का चांस नहीं मिलेगा, ज्ञान के ऊपर ऐसा वज्र और कुठारा घात होगा कि ज्ञान शून्यवत हो जाएगा, शून्य नहीं शून्यवत हो जाएगा, एक समय की चूक, थोड़ी सी असावधानी और खत्म हो गई जिंदगी, खत्म हो गई जिंदगी भाई साहब, और जिंदगी खत्म हो गई तो फिर क्या है, कर लो नया काम, कुछ कर लो नया काम, समय कम है। सुबह मैंने विधान के समय बात कही थी, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पश्य कालो बहुविघ्नता च,
यत सारे भूते तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवम् बुद्याते। क्या बोलो, कुछ दम नहीं है? हजार लोग सुन रहे हैं, 1000, 1200, 1500, 1800 कितने लोग भी सुन ले हुए और मल्टीपल करो, एक एक दो दो चार चार से इतने 2-4, 5-5000 सुन लिए, फिर बाद में इतने लोगों ने सुन लिए। अरे सुनने की प्रमुखता नहीं है, सुनकर के अंदर में उतरे वो महत्वपूर्ण बात है। सुनते भी है बहुत साधारण, सुनते भी है, सुनाते भी है, मुझे मालूम है आगे फॉरवर्ड कर देंगे आप प्रवचनों को, आगे दूसरे लोगों को भेज देंगे सुनने के लिए, प्रेरित कर देंगे, कोई बात नहीं। जीवन में क्या उतरा, हमने क्या उतारा, हमने क्या सीखा, हमने क्या सीख ली, हमने बैलेंस शीट बनाई कि नहीं बनाई। जब साल पूरा होता है तो बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है तो बैलेंस शीट बनती है, लेखा जोखा होता है, व्यापारी वर्ग संकल्प लेते हैं हमारी बैलेंस शीट लास्ट ईयर जितनी थी ये बैलेंस शीट का टर्नओवर उससे ज्यादा होना चाहिए, सबको संकल्प रहता है। बिजनेसमैन लोगों से बात करके देखो, बोलो अवनीश भाई सही कह रहा हूं कि नहीं, लास्ट ईयर का इतने का टर्नओवर था, ये भी कम कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा नहीं 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 बोलो, थोड़ा सा होना चाहिए, होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, टर्नओवर तो कम कैसे, ग्राफ बढ़ते रहना चाहिए, एफडीआई कम नहीं होनी चाहिए, एफडीआई बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहती है, मंदिरों की एफडीआई, घरों की एफडीआई, मैं तो बहुत बार ये बात कहता हूं, एफडीआई जो होती है ये रिन्यू होने के लिए होती है। अभी तो इंटरेस्ट रेट कम हो गई है इसलिए लोगों का रुझान थोड़ा सा कम होता सा दिखाई दे रहा है, लेकिन एफडीआई फिर क्या करें, अब क्या करें इसका, बोले रिन्यू कर दो, क्या करें रिन्यू कर दो, क्या करेंगे रिन्यू कर दो, क्या करेंगे, पैसे की जरूरत कहां है हमारे को। भैया सुनो, जिस तरह से व्यापार की बैलेंस शीट बनाते हो, जिस तरह से बिजनेस की बैलेंस शीट बनती है, उस तरह से पिछले साल की बैलेंस शीट बना करके थोड़ा सा लेखा जोखा करो, 2020 में क्या किया था उसका लेखा जोखा करो, क्या क्या किया, कितना पाप किया, कितनी पाप की कमाई की, कितना समय गंवा दिया, कितना समय बर्बाद कर दिया, न आत्म चिंतन किया, न आत्म आराधना की, न स्वाध्याय किया, न भक्ति की, न पूजन की, न विधान किए, हमने क्या किया, न तीर्थ वंदनाएं की, न माला का जाप किया, हमने क्या याद किया पिछले पिछले वर्ष में, उसका लेखा जोखा करो एक बार। ये हिसाबी वर्ष है, ये हिसाब किताब का समय है, आज का समय हिसाब होना चाहिए, कुछ बैठ करके चिंतन करना आज कि मैंने क्या किया, पिछले साल में मैंने क्या क्या अच्छे काम किए और पिछले साल में मैंने क्या क्या खराब काम किए। डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट बनती है कि नहीं, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट में सब रखता है कि नहीं, पीएनएल बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनाते हुए सब अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ी होगी सब जानते होंगे, हमने पढ़ी है इनकम टैक्स सब, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है उस बैलेंस शीट के अंदर बराबर देखता है इतने डेबिटर्स हैं, इतने क्रेडिटर्स हैं, और फिर उनको पिछले साल वालों को किसको रिमाइंडर देना है बोलो, उनको रिमाइंडर दो, उनसे मंगवाओ, उनसे वसूली होनी चाहिए, उनके पास में लेटर भेजो, भैया इतना लंबा समय हो गया आया नहीं, इसका ये उसका ये हिसाब किताब बराबर करता है कि नहीं, यहां क्या कर रहा है। रोज का रोज यदि करते हो तो बहुत अच्छी बात है, देखो रोज का रोज करेगा तब तो बहुत भाग्यशाली है। पता है क्यों? वे व्यापारी जिन व्यापारियों के यहां रोज की रोज रसीद बनती है, रोज का रोज उनकी जो एंट्रियां होती हैं, उनकी डेटा एंट्री हो जाती है, टैली में हो जाती है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलते हैं टैली चलता है मैक्सिमम, तो उसके अंदर सारी एंट्रियां हो जाती है, रोज की रोज एंट्रियां करते हैं, अकाउंटेंट साहब आते हैं चढ़ा जाते हैं, कैश बुक में चढ़ा जाते हैं, कंप्यूटर में चढ़ा जाते हैं, एंट्रियां हो जाती है, उनके लिए तो सब बराबर चलता रहता है। और कोई व्यक्ति एक महीने बाद में एंट्री करने के लिए बुलाएं तो बोले लोड बढ़ गया, क्या करें लोड बढ़ गया, और कोई 3 महीने बाद में एंट्रियां देखेगा तो क्या होगा, बोले कहीं छूटने की संभावनाएं हैं। और यदि कोई व्यक्ति कहां समझ लो पूरे साल भर कुछ नहीं किया उसने और अंतिम दिन अब बना रहा है, तो पता नहीं कहां कहां क्या क्या है भाई साहब। बिजनेसमैन साल में एक दिन अकाउंट्स लिखे तो क्या होगा, अकाउंट्स का पहले दिन का पाठ रहा था हमारी कक्षा में जब पढ़ते थे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, बोलो। छोटे छोटे से बच्चे देखो, ये बच्चों के नाम आते हैं, ये 2 बहनें छोटी सी लॉकडाउन में 8 साल 11 साल की उम्र, फर्स्टी परीक्षा पूरी छेड़ाला याद कर ली। अब बहुत सारे बच्चे हैं भैया लिखते मत रहना, कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन बहुत अनुमोदना है बच्चों की,
जो बच्चे कर रहे हैं, जिन बच्चों ने किया है, जो बड़े कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत अनुमोदना है। कुछ नया होना चाहिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है। निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या नया करेंगे। आपका ये नया साल, बीते हुए साल की बैलेंस शीट भी तैयार हो, क्योंकि व्यापारी दो काम करते हैं, बिजनेसमैन दो काम करते हैं, पिछले की बैलेंस शीट बनाते हैं और नए का टारगेट बनाते हैं, नए की प्लानिंग करते हैं। ये दो काम होते हैं 31 मार्च को, पूरे के पूरे काम। पिछले वर्ष क्या क्या हुआ वो कैपिटल देखेंगे, पूरी कैपिटल, सारा सारा बिजनेस का हिसाब किताब सब पिछला देख लिया, और नए के लिए अब हमारी ये प्लानिंग है। मैनेजर्स को बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, मैनेजमेंट की टीम को बुलाएंगे, उनको निर्देश देंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी, उनको ऐसी ऐसी योजना, इसी तरह का तो काम करना है। ये भी तो बिजनेस है कि नहीं, इसमें अतिंद्रिय आनंद का प्रॉफिट है और मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का लॉस है। मिथ्यात्व अज्ञान असंयम ये डेटर्स है, ये देनदार है, ये सर, ये सब ले गया, डूब जाएगा। कोई देनदार होंगे, कोई लेनदार होंगे, प्रॉफिट किसमें दिखाई दे रहा है वो देखिए आप। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में भैया, वो अवस्था हमारी होनी चाहिए, वो अवस्था चाहिए हमारे को। आगे बढ़ने का मतलब गुणस्थान बढ़ना होता है, आगे बढ़ने का मतलब पहले से चौथा होता है, आगे बढ़ने का मतलब चौथे से पांचवा होता है, आगे बढ़ने का मतलब पांचवें से छठा सातवां होता है। बनाओ भाव, कोई बात नहीं, नए से ही इस साल की योजना, आगे की योजना बनाओ, आगे तक की योजना बनाओ। एक दिन ऐसा ही आएगा, पंडित जी क्या बात करते हो आप, निश्चित तौर पर ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन मैं इस अवस्था की प्राप्ति करूंगा। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा पंडित जी कि मेरे जीवन में ये काम होगा। लक्ष्य अटल होने चाहिए, अचल होने चाहिए। गाथाएं याद करो, बहुत अच्छी बात है, गाथाएं याद करो, ये याद करो, वो जो भी आपको करना हो आप कीजिए, जो आपके संकल्प हो अवश्य आपके संकल्प पूरे होने चाहिए। कुछ पाप की कमी हो, कुछ पुण्य की वृद्धि हो, लेकिन पुण्य में अटकना नहीं हो, इतना समझ लेना। कुछ पाप कम होने चाहिए, टॉप 5 में 5 की प्लानिंग करो, सही कह रहे हैं जैन आगम पथ से, टॉप 5 में 5 की प्लानिंग करो। प्लानिंग तो ये करो बस, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, प्लानिंग बड़ी होनी चाहिए। हम तो बड़ी प्लानिंग करते हैं, हम तो आगे की प्लानिंग करते हैं, अरे हमारा लक्ष्य तो सिद्ध दशा है, छोटी मोटी चीजों में ज्यादा खुश नहीं होते हैं। अरे ये मिल गया क्या है, जिसका लक्ष्य 2-5-10 करोड़ कमाने का होता है उसे 1-2 लाख के प्रॉफिट में मजा नहीं आता। ये स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको, अकेले आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये हर व्यक्ति को सोचना जरा, जिस व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ हो, जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बैठा हुआ हो मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, अब उस व्यक्ति को 1,000 रुपए का प्रॉफिट, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट, 50,000 रुपए का प्रॉफिट, क्या दम। हमारा लक्ष्य भगवान बनने का है, हमें पोसाता नहीं है, क्या 2 घंटे स्वाध्याय हमें पोसाता नहीं है, इतना सा प्रॉफिट ये हमारे को सारभूत नहीं लगता, इतने से में हमारे को प्रयोजन भूत नहीं दिखाई देता है, इतने से में हमारे को आनंद नहीं दिखाई देता है। बात तो कुछ और होनी चाहिए, इसलिए बहुत थोड़ा कहा है, थोड़ा ज्यादा समझ लेना भाई साहब, समय हमारे पास में बहुत सीमित है, क्योंकि हमारा ये विकेट कभी भी उड़ सकता है, इसको जरा ध्यान में रखना। कभी भी जिस दिन विकेट उड़ गया ना, फिर उस दिन कोई काम नहीं आएगा, ना पत्नी काम आएगी, ना बच्चे आएंगे, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना प्रवचन काम आएंगे, ना श्रोता आएंगे। कौन आएगा बतलाओ, काम कौन किसके काम आता है, खुद को ही खुद का काम करना है भाई साहब, ये इतना स्वाद। और देखो, खुद को खुद का काम करना है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं, खुद को खुद का काम करना है, ये इतनी जबरदस्त बात है कि रंच मात्र परतंत्रता नहीं है, रंच मात्र पराधीनता नहीं है, किसी और की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे मेरा काम करने के लिए। डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कभी किसी के चक्कर में, यार मैं क्या करूं, मैंने टारगेट तो बनाया था लेकिन ये मेरे ऊपर थोड़ी नहीं था, अब कोरोना लग गया, अभी चारों तरफ मार्केट बंद हो गया, साल भर के लिए बिजनेस ही सारा ठप हो गया, सारे लेबर्स चले गए, चारों तरफ बंद का वातावरण हो गया, ऐसा हो गया, अब हमारे कंट्रोल में नहीं था, अब क्या करें, टारगेट तो बनाया था लेकिन कुछ हो नहीं सका। अरे सुनो, उसमें तो नहीं हो सका था, यहां हो सकता है,
उसमें तो नहीं हो सका था, यहां हो सकता है कि क्या हो सकता है, यहां पर आपका टारगेट पूरा हो सकता है, ये कह रहे हैं हम। इसमें परतंत्रता नहीं है, इसमें किसी का दबाव नहीं है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, किसी का बस नहीं चलता है, सब करेंगे, हर व्यक्ति कर सकता है, इंडिपेंडेंट है ये काम, इंडिपेंडेंट है। ये नया साल स्वतंत्रता के रूप में मनाइए, व्यक्तिगत चीज है, मेरा स्वाध्याय स्वतंत्र है, ग्रंथ के अधीन भी नहीं है, ग्रंथकार के अधीन भी नहीं है, विद्वानों के अधीन भी नहीं है, रोक टोक करने वालों के अधीन भी नहीं है। लक्ष्य ऐसे होनी चाहिए, योजना ऐसी बनाना, ध्यान रखना बंधुओं, नए साल के लिए योजना ऐसी बनाना, प्रतिज्ञा ऐसी लेना, भाव इस तरह के बनाना जिसे पूरा कर सके, जिसे पूरा कर सके भाई साहब, ऐसी योजना बनाना, इस तरह की प्लानिंग बनाना, ऐसी योजना बद बनाना जो पराधीन हो, बिजनेस का काम पराधीन है क्या? ये तो पराधीन काम है, ये तो परतंत्र है, पराधीनता है, इसमें कंपनी चलती ही नहीं है, मैं क्या करूं बोलो। ऐसी योजना मत बना करके बैठ जाना कि मैं इस चीज का इस तरह से त्याग करता हूं कि ये शरीर की अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, घर के बारे में कहीं, बच्चों के बारे में, मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस बार तो बच्चों को ऐसा कराऊंगा, वो बच्चों के अधीन है, खुद का सोचो, बच्चों का नहीं। बच्चों को प्रेरणा दो, बच्चों को नया साल कैसे मनाया जाए उसकी प्रेरणा दो, नए साल में नए संकल्प किस तरह के होने चाहिए, इस तरह की प्रेरणा बच्चों को दे सकते हैं आप। लेकिन करना के नहीं करना, क्या करना, बोले बेटा सुन, मेरे कहे अनुसार मत चलना, निर्णय तेरा है। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है, ये बात समझ लेना। मैं इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करूंगा तो करूंगा ही बस, फिर कुछ भी हो जाए चाहे, मैं दो प्रवचन तीन प्रवचन सुनूंगा तो फिर सुनूंगा ही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आत्मचिंतन करूंगा तो करूंगा ही, मैं सामायिक के लिए बैठूंगा तो बैठूंगा ही बस, फिर अष्टमी चतुर्दशी के दिन बैठूंगा, मैंने संकल्प ले लिया तो फिर बैठना ही है, मैंने इस चीज का त्याग कर दिया तो फिर कर दिया बस, फिर मैंने, मेरा कहने का मतलब यह है आपकी जो भी योजना हो, आपकी जो भी प्लानिंग हो, वो प्लानिंग परतंत्र नहीं हो, वो स्वाधीन होनी चाहिए, विचार विवेक पूर्वक। समय इतना कम है, सच में इतना कम है, आज के समय में बहुत समय कम है, 2021, 2022, 23, 24, 25, 27, कितने भी मान लो आप आगे तक, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जन्म कब हुआ था उस सन से लेकर के आज तक देखो, आपको लगेगा यार कैसे निकल गया समय, पता नहीं कैसे इतने बड़े हुए, पता नहीं कैसे वर्ष निकल गए, अच्छा इतने साल, पता हो रही यार कैसे है? इतनी उम्र निकल गई, 40 के हो गए, 45 के हो गए, 55 के हो गए, अरे पता ही नहीं कैसे जीवन निकल गया, 70 के हो गए, और लास्ट भाई कैसा लगता है कि जीवन, अरे इतना जीवन पूरा हो गया, इतने वर्ष निकल गए हैं भैया, और निकल जाएंगे पता नहीं, और पता नहीं कितने बचे हैं आपकी लाइफ में, 5 साल बचे हैं कि 15 साल, 25 साल बचे हैं कि 45 साल, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विकेट तो बीच में कभी भी उड़ सकता है भाई साहब, शॉट तो लग सकता है ना कभी भी। इसलिए अनादि काल से लेकर वह नया कार्य संपन्न कर रहा हूं, चर्चा को संपन्न कर रहा हूं, वह नया कार्य जो आपने लास्ट ईयर तक नहीं किया था, वो नया कार्य जो अब तक नहीं कर रहे थे, जो पिछले पूरे साल में नहीं किया था, हो सकता है पिछले साल में आप पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हो, हो सकता है आप उसे आगे करने के लिए संकल्प ले सकते हैं, पूरे साल का संकल्प ले सकते हैं, पूरे जीवन का संकल्प ले सकते हैं, विशेषकर तो स्वाध्याय का संकल्प होना चाहिए, विशेषकर तो वेद विज्ञान की भावना का संकल्प होना चाहिए, वही तो नया है। पंच परावर्तनों के अंदर हर चीज मिली है, पंच परावर्तनों में हर तरह के भाव किए हैं, खोटे से खोटे भाव भी अनंत बार किए हैं, मिथ्या दृष्टि के योग्य उत्तम से उत्तम भाव, नौवे ग्रेवे तक जाने वाले भाव भी अनंत बार किए हैं, क्या बात करें, नौवे ग्रेवे तक जाने वाले भाव, विशुद्ध भाव किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन शुद्ध नहीं हुआ, शुद्धोपयोग नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो नया है, वो पर्याय नहीं होगी, मिथ्यात्व के अभाव वाली पर्याय नहीं होगी। अरे ऐसा उग्र पुरुषार्थ होगा, देखना अगली पर्याय ऐसी आएगी कि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग पे कदम रखेंगे, और फिर जब सुबह जब हम मंदिर जाकर के जिनेंद्र भगवान के सामने अर्घ चढ़ाएंगे तो ऐसा कहेंगे, हे प्रभु निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, वो दिन दूर नहीं है भगवान अरहंत अवस्था की प्राप्ति करने के लिए, कदम बढ़ गए हैं, कदम बढ़ा लिए हैं मैंने, लक्ष्य है मेरे अटल तो मंजिलें स्वागत करेगी, लक्ष्य मेरे अटल हैं,
दृढ़ता है अंदर में। लक्ष्य है मेरे अटल तो मंजिलें स्वागत करेगी, और सम्यक्त्व की प्राप्ति पूर्वक बो दिया है बीज तो फिर मंजिलें निश्चित मिलेगी। क्या रिया? निश्चित खिलेगी। बीज बो दिया है तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी भाई साहब? सम्यक दर्शन तो बीज है, सम्यक दर्शन तो शुरुआत है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, नई पर्यायें जो अनादिकाल से नहीं हुई है उस दिशा की शुरुआत है। पंचम गुणस्थान किसी को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, कुछ हो सकते हैं, निषेध नहीं है किसी का भी, पंचम गुणस्थान की प्राप्ति करेंगे, प्रतिमाधारी होंगे, संलेखना मरण होगा, समाधि मरण होगा, आराधना पूर्वक हमारा काल बीतेगा। भाई साहब ऐसे संकल्प दृढ़ता पूर्वक सबके जीवन में होने चाहिए। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको आपके संकल्पों की पूर्ति के लिए। मैं शुभकामनाएं देता हूं जितेंद्र जी, भाई साहब आपको, सब लोगों को, जितने 1100 से ज्यादा तो आईडी दिखाई दे रही है, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने लोग, जितने परिवार में बैठे हुए, सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको, आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों के लिए, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए, जीवन की दिशा इस जैन तत्व ज्ञान के साथ में जोड़ने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने प्रयोजन में, आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल हो। आगे आने वाला वर्ष आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। खुशियां का अर्थ मर्सिडीज नहीं होता, खुशियां का अर्थ बंगला नहीं होता, खुशियां का अर्थ कोई अच्छा फार्म हाउस नहीं होता। नई खुशियां लेकर के आए का अर्थ, नई खुशियां माने नई खुशियां, नई खुशियां माने वे खुशियां जो खुशियां अनादिकाल से नहीं मिली थी, नई खुशियां माने अतीन्द्रिय आनंद लेकर के आए आपके जीवन में। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं, जिनवाणी स्तुति पूर्वक। कल से वही हमारा रूटीन, रोजाना सुबह 9:20 पर 9:15 वाला प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो नियमित चल रहा है वो बराबर चलेगा। दोपहर 2:30 क्षत्र चूड़ामणि नए चक्र की प्लानिंग चल रही है, 1-2 दिन में शुरू करने की, वो भी शुरू करेंगे। रात्रि 8:00 यथावत जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है, पूरा होने के बाद नया ग्रंथ शुरू करेंगे। आप लोग जुड़े रहें, लोगों को, साधर्मियों को जोड़ें, सबको प्रेरणा देवें, सबको प्रेरित करें धर्म मार्ग से जुड़ने की। जितना काम हमसे हो सके उतना अपन करते रहें। चलिए जिनवाणी स्तुति पूर्वक बात को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जबरदस्त शंकर जिनवाणी पाता है नौ बड़ों का मंत्र।